खबरों में अब बात करेंगे कुल्लू जिला की। जिला की जिया पंचायत में कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण में NHAI की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि NHAI द्वारा जहां पर भूमि अधिग्रहण किया गया है वहां पर फोरलेन का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों के घरों और खेत खलिहानों में जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार से फोरलेन निर्माण में हुई धांधली को लेकर जाँच की मांग की है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर इस हाईवे के बाईं तरफ, पुल के बाईं तरफ जितने भी घर हैं उनके लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई है, और गांव वालों के खेत खलियान हैं उनके लिए भी रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो इस संदर्भ में जब हमने हाईवे वालों से बात की तो उनका कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने हमें नहीं दिया, और उन्होंने सीधा ये कहा कि रास्ते की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो एक विकट परिस्थिति जो है यहाँ लोगों के लिए उत्पन्न हो गई है कि लोग अपने घरों तक कैसे पहुँचे, अपने खेत खलिहानों तक कैसे पहुँचे। NHAI की लापरवाही से भूमि अधिग्रहण दूसरी तरफ किया और पुल दूसरी तरफ बना रहे, इसीलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनको चाहिए था कि जहाँ अधिग्रहण किया पुल भी वहीं बनाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा है कि NHAI ने फोर लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण ऐसी जगह का किया जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसके कारण सड़क हादसे होंगे और लोगों को नुकसान होगा। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है खसरा नंबर उनसे लेते हैं, ये इनके पास अपना कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, और जगह ऐसी ऐसी एक्वायर कर दी है जिसकी आवश्यकता नहीं है, और जो काम किया कर रहे हैं जहाँ वहाँ इनकी जगह नहीं है। कल मौका भी देखा DC साहब ने भी, उन्होंने कल यहाँ भी आश्वासन दिया था, उनको DC साहब ने कहा है कि भाई इनको कहा जाएगा कि तुम इनको सर्विस लेन बना के दो।